ग्रस्त में रहते हुए कितनी पूजा। मेरा टॉपिक सोशल मीडिया में जो टॉपिक्स हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो कन्वीनियंट है उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, अगर मैं पूजा विधि की बात नहीं कर रही, सर्वप्रथम हम लोगों को सूर्य को नमस्कार, धरती माँ को नमस्कार, तुलसी माता को नमस्कार और प्रकृति के सद सारी रचनाओं को नमस्कार करते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ ये हमारे अपने रेगुलर रूटीन पर डिपेंड करता है, हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। सारे ग्रंथ का अध्ययन कर पाएँ बहुत मुश्किल है, अगर समय निकाल पाएँ तो ज़रूर निकालिए, लेकिन उसकी पूजा अल्टीमेट नहीं हो सकती। वो अनंत है, अथा सागर है, उसके लिए हम इतनी अल्टीमेट पूजा क्या कर सकते हैं, पर गृहस्थ में रहते हुए हम कर क्या सकते हैं। हर पल उसका नाम हमारे होठ पे रहे, हर पल उसका हम शुक्रिया अदा करते रहें। कैसे, बचपन में आपको याद होगा कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आप अच्छे से लर्न कर लेते थे, तो जब रिवीजन करते हुए आपके मुंह से स्वतः निकल जाता था, मतलब आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते थे। तो उसी तरीके से अपनी सारी उपलब्धियों को उसको समर्पित करिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।